जात की हैं। अरे माथा ना भुकाइए, अरे माथा ना भुकाइए। कौन जात की हैं? जनगणना करने से कुछ होगा क्या लगता है? ना करेंगे हम, ना करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे ना। जाति जाति क्या है आपका? हम वही सब के जात है। कौन सब का क्या जात है? कौन जाति हो? जात क्या बताएं? मेडिकल में एडमिशन के लिए बच्चे 500 नंबर लाते हैं और एडमिशन नहीं हो पाती है और 400 वाले की हो जाती है, तो इस जगह पर हम लोग को बहुत परेशानी। हम लोग को बच्चों दिन रात मेहनत कर पढ़ाते हैं लेकिन एडमिशन नहीं हो पाती है, तो इससे हम खुश नहीं हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। चलिए महिलाओं से पूछते हैं उनका जात, वो इसलिए क्योंकि अब सरकार तो पूछने ही वाली है कि आप किस जाति के हैं। चलिए महिलाओं से पूछते हैं कि क्या वो खुश हैं जातीय जनगणना से। चलिए सब्जी खरीदने आई होंगी महिलाएं, तो उनसे बात करेंगे कि आप किस जाति के हैं, देखते हैं भड़कती हैं कि क्या करती हैं कि गरजती हैं। तो चलिए बात करते हैं। जात की हैं? अरे माथा ना भुकाइए। तो कौन जात की हैं? गुस्सा रही हैं। अच्छा जात कौन सा है आपका? चौधरी। चौधरी चौधरी, तो सरकार तो पूछेगा कि जात कौन सा है, तो ऐसे ही करिएगा कि जाओ जाओ कि बता दीजिएगा चौधरी है। चौधरी है तो आपका जात क्या है? हमको जात हरजन, हरजन हम लोग हैं। हरजन है, तो सरकार जब पूछेगी जातीय जनगणना हो रही है तो आप बताएंगी क्या बताना है? जात अपना हरजन बताएंगी। आप कौन जात की है? हरजन। सरकार जब पूछने आएगी तो बताएंगी? हाँ बताएंगे। बताएं तो जात क्या आप? कास्ट। हाँ समझ रहे हूँ, घुमियार हैं। घुमियार हैं, तो जातीय जनगणना से खुश हैं होने वाला? अब बेनिफिट मिलने पर ना है कि क्या किसको कितना बेनिफिट मिलता क्या है, लगता है बेनिफिट आपको मिलेगा? हम लोग को तो कुछ मिलता ही नहीं है, तो हम लोग को क्या मिलता है? हम लोग के जो बच्चे पढ़ रहे हैं मेहनत भी करते हैं, एडमिशन भी नहीं हो पाता है, तो बहुत मुश्किल उन लोगों के लिए टफ है। स्टूडेंट एक समान होना चाहिए, चाहे किसी भी जाति का हो, स्टूडेंट होना चाहिए स्कूल में, ना कि जाति होना चाहिए। तो क्या आपको लग रहा है सरकार ये गलत कर रही है सही कर रही है? सरकार के बारे में मैं नहीं कर रही, मैं अपना बोल रही हूँ। स्टूडेंट के लिए एक समान, मैं स्कूल देख बताती हूँ। बच्चे आजकल के बहुत परेशान हैं, स्कूल में सारे बच्चे एक तरह होने चाहिए। जिस तरह पोशाक योजना थी तो किसी भी जाति को सबको मिली थी, साइकिल योजना सबको मिली थी, लेकिन इस कहीं एडमिशन कराने जाइए हायर एजुकेशन में तो वहाँ बहुत दिक्कत होती है। वहाँ जनरल के लिए बहुत मार्क्स चाहिए। मेडिकल में एडमिशन के लिए बच्चे 500 नंबर लाते हैं और एडमिशन नहीं हो पाती है और 400 वाले की हो जाती है, तो इस जगह पर हम लोग को बहुत परेशानी। हम लोग को बच्चों दिन रात मेहनत कर पढ़ाते हैं लेकिन एडमिशन नहीं हो पाती है, तो इससे हम खुश नहीं हैं। जाति जाति क्या है आपका? कौन सा जात? जात क्या है आपका? हम वही सब के जात है। कौन सब का क्या जात है? कौन जाती हो? सरकार जब पूछने आएगी तो ऐसे ही हंस के टाल दीजिएगा। हंस के तक कहला टालेंगे हम। जात बताइए। हम जात है सहनी। सहनी, चलिए। मतलब सरकार जो जातीय जनगणना करी उससे खुश रहेंगी या नहीं? सरकार कौन जी कर रहा, कुछ तो ना कर रहा, सब चीज महंगाई बढ़ा दिया, इससे खुश नहीं रहेंगी आप? इतना महंगा महंगा तो जात पूछेगी सरकार उससे खुश नहीं रहेगी, घर कैसे चलेगा इतना महंगाई बढ़ गया था? कि जात आप नहीं बताएंगे सरकार? हम बताएंगे काहे ना। कौन सी जात है आप? हम लोग के मटमला चाइया। तो सरकार को जात बताएंगे अपना जब पूछने आएगी तो? काहे नहीं बताएंगे, जो जात रहेंगे वही जात ना बताएंगे। हाँ काहे नहीं खुश हैं कि सरकार ये सब कर रही है? काहे नहीं खुश रहेंगे, रहे? हाँ। तो आप कौन सी जाति के हैं? हम तो जादव हैं। जादव हैं जी। तो जातीय जनगणना होने वाला है पहली बार, तो खुश रहेंगे इससे? ये हम नहीं जानते, बाकी जातिवाद तो हर क्षेत्र में रहता है, वो कभी खत्म ही नहीं होता है और ना ही कभी होगा, क्योंकि हम लोग जादव परिवार हैं, तो जादव परिवार को तो कभी लगाता ही नहीं है कोई। ना ऐसा नहीं बोलिए मैडम। हाँ नहीं लगाता है ना, हम लोग तो बहुत पीछे हुए हैं। पीछे हो गए यादव? पीछे हो गए तब? यादव पीछे पीछे हो गए यहाँ पीछे हैं। अब किसकी बदला निकाल रहे हैं आप लोग, देव कौन जान रहा है? जनगणना बेकार चीज है। अच्छा ही चीज होगा जाति जनगणना, हम नहीं कह रहे हैं कि खराब होगा, अच्छा ही है। अच्छा ही है, करना चाहिए। हाँ करना ही चाहिए। कौन सी जाति की है? जात क्या है आपका? जात है, बोलो, बोल दो। आप बोलिए, आप बोलिए। हाँ बताइए। बच्चा बोलेगा। अच्छा जातीय जनगणना से खुश है या नहीं है? खुश है। खुश है हाँ। तो कौन सी जात की हैं आप? हम कास्ट, कास्ट मुस्लिम हुए। मुस्लिम हुए, लेकिन रिलीजन आप लोग का मुस्लिम है, तो जातीय जनगणना हो रहा है, खुश हैं इससे?
नहीं 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 क्यों क्यों जनगणना होता है तो फिर भी वही हाल है, नहीं होगा तो फिर भी वही हाल है। वही हाल है हाँ। तो सुधरने वाला नहीं? नहीं, कभी नहीं सुधरने वाला। तो कौन सी जात के आप? हम मधेसिया हलवाई। हलवाई, आप बताइए जातीय जनगणना से खुश हैं या नहीं? हम तो खुश ही हैं, पता चलेगा कि मेरे कास्ट में मतलब कितने लोग हैं। अच्छा, उससे क्या हो जाएगा? पता नहीं पता नहीं, ऐसे होगा ना कि को लगेगा कि हाँ मेरे कास्ट में इतना लोग हैं। अच्छा, तो खुश है कि आप जान जाएंगे कि आपके कास्ट, हाँ, कास्ट में कितने? आप बताइए, खुश रहेंगी? नहीं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कौन सा जात है आपका? ये हम लोग महतो हैं। महतो हैं, खुश हैं सरकार जातीय जनगणना कर रही है? खुशी हैं। खुश हैं। चलिए आप बताइए कौन सी जात की हैं? हम तो सब बनिया हैं। बनिया हैं, तो खुश हैं इस चीज से? हाँ, बहुत खुश हैं। क्यों? क्यों जनगणना हो रहा है तो वो सब लेकर खुश हैं। तो क्यों खुश हैं, वही पूछ रहा हूँ, कारण खुशी का? सरकार के जो अथी है सो हो रहा है, खुश हैं। चलिए आप बताइए, आप सब्जी लेने आई हैं, आप बताइए सरकार से खुश हैं? हाँ, जाते जनगणना हो रहा है, ठीक है। कौन सी जात की हैं आप? हम नाई जात की। नाई जात? नाई जात। तो खुश हैं कि सरकार कर रही है? ठीक है, हाँ, जो भी सरकार करते हैं अच्छा ही करते हैं। अच्छा ही करती है। चलिए, जात क्या आपका? यादव है। यादव, जातीय जनगणना हो रहा है, खुश हैं इससे? खुश क्या होंगे, इतना तो महंगाई है कि आदमी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये जो महंगाई, ठीक है महंगाई जरूर है, पूरे दुनिया में महंगाई, इस चीज से आप खुश हैं ना खुश हैं? खुश हैं, ठीक है। कारण जातीय जनगणना से खुशी मिल रही है? अच्छा है, आदमी को सरकार को पता लगे कितना आदमी है। ऐसे पता नहीं चलता है कि कितना आदमी है? ऐसे क्या पता लगेगा, जनगणना करेगा तभी ना पता लगेगा। ऐसे नहीं पता चलेगा कि इस जगह कितना आदमी है? नहीं नहीं, लेकिन जात इम्पोर्टेंट है। जात या जो भी हो इम्पोर्टेंट है, सभी इम्पोर्टेंट ही है। कौन जाति हैं आप? आ? कौन सी जात की है? हाँ हाँ, ब्राह्मण जाति की। ब्राह्मण जाति की है, तो सरकार जातीय जनगणना कर रही है, खुश हैं इससे? हाँ हाँ, खुश हम लोग। क्यों? जनगणना करेगी तब ना उसको पता चलेगा कहाँ क्या हो रहा है। हाँ, कहाँ क्या हो रहा है उसके लिए जात जानना इम्पोर्टेंट है। हाँ, जानना जरूरी है। तो जातीय जनगणना होगा, खुश हैं इससे? कैसे खुश रहेंगे, किस चीज का जनगणना करें बोलिए आप ही लोग। सब कुछ सरकार आके पूछेगी आपकी। हाँ, क्या जाति है? दुनिया जान रहा, हम मुसलमान हैं, आप हिंदू हैं, सब तो जाति। हाँ, तो ही दो ठो आए हैं। हाँ, बोलिए बाबू, एक हिंदू एक मुसलमान, वो तो अच्छी तरह से जान रहे हैं, क्या बोले बोलिए आप ही लोग। तो खुश हैं सरकार से? बिजली अंदर था कहीं की चोरी होता, बाहर जो अपने मन से 2000 भेज रहा, बोलिए क्या करें, ऐसा ही मार दें हम लोग को। काफी निराश लग रही है सरकार से? बहुत निराश हम लोग, हम लोग का तो जितना दिल दुख रहा है, हम तो उनको दुआ देते हैं कि उनको अच्छे आदमी है, अच्छा काम करें, हम भी तो उनकी माँ बहन है, हम नहीं है उनके रिश्तेदार। जनगणना करने से कुछ होगा क्या लगता है? ना करेंगे हम, ना करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे ना जनगणना। जनगणना नहीं करेंगी? कैसे करें, कुछ आफियत सरकार आके जब पूछेगी तो नहीं करेंगे? सरकार उठा के गंगा मैया में फेंक दे आके हम लोग को। यही बचले, अब कोई दूसरा स्वभाव नहीं है, उनको बोलिए कि आके गंगा मैया में से, हम लोग उनकी माँ बहन है लेकिन वो हम लोग का कुछ नहीं कर रहे। बिजली अंदर से बाहर करवा दिन, लूट रहा अपने दिल से आके लिख के दे दे रहा, इतना हुआ इतना हुआ। अरे आप भाई ना हो, तुम भी तो भाई हो, हम लोग का हक नहीं तुम पर है, तुमको चाहिए ना कि हम लोग का ये करें। गुस्सा जरूर है आप उनसे? बिल्कुल दुखिया है, बाल बच्चे को नौकरी नहीं, सर्विस नहीं, कुछ नहीं, सब रोडे रोड मारा चल रहा है, भीख मांग रहा है। अभी देखिए छीमी वहाँ दिखाया, इतना छिलका है और इतना से छीमी निकाल, बोलिए का भाई 40 रुपए किलो, बोलिए क्या करें। महंगाई अलग है, हर चीज अलग है, और सरकार को जातीय जनगणना करना है। हम तो आपको कह दिया, हम तो नहीं करेंगे, कहाँ से करेंगे जनगणना। आप कौन सी जाति की? भूमियार जाति की। भूमियार, तो जातीय जनगणना होने वाला है, खुश हैं? जनगणना होगा तो हर साल होता है, जब इलेक्शन होता है तो। आज़ादी के बाद पहली बार जातीय जनगणना हो रहा, आपसे सरकार आके पूछेगी आपका जात क्या है, बताएंगी? हम जो जात है वही ना बताएंगे, अपना जात थोड़े काटेंगे। नहीं, तो खुश हैं इस चीज़ से? सब लोग खुश होगा तो हम भी खुश हैं। तो आप बताइए आप कौन सी जात की है? जात क्या बताएं, जात तो बताना, जात नहीं बताएंगे, नहीं होगा, सही नहीं होता। जब सरकार पूछने आएगी तो उनको यही जवाब देंगी? जब सरकार पूछने आएगी तो बताया जाएगा, ऐसे नहीं बताएंगे, किसी को नहीं बताना चाहिए, मतलब जात नहीं बताना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, जात बताने में क्या है। तो आप कौन सी जात के हैं? क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय हैं, तो बताइए ये जातीय जनगणना जो हो रही है वो सही है गलत है?
सरकार की अपनी नीति है वो कि कुछ सोच के ही कर रही होगी जातीय जनगणना। आप खुश हैं? कुछ आधार आप खुश अब उसे तो मानना पड़ेगा, सरकार की नीति को तो मानना पड़ेगा। आप खुश हैं या नहीं? मानना ठीक है। हाँ खुश है। तो सरकार को बताएंगे अपना जात? हाँ सर बताएंगे। कौन सी जात की है? सर हम वहाँ जाइए सर। चलिए आप देखिए कि जब महिलाओं से सवाल किया कि किस जाति की है तो लोगों ने जरूर बताया लेकिन भड़क गई, सब ने यही कहा कि महंगाई इतनी है और सरकार को जातीय जनगणना का सूझ रहा है और क्या कुछ नहीं कही महिलाएं, आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।